नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरेश पटेल, आप देख रहे हैं अल्टरनेट चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एन बी प्लस डी थ्री टैबलेट के बारे में, जो मिथाइलकोबालमिन यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व, पायरिडोक्सिन, फोलिक एसिड के साथ विटामिन डी थ्री भी इसके अंदर दिया गया है। यानी कि हमारी इससे भी अगली जो वीडियो हमने बनाई थी एन बी प्लस और एन बी ट्वेल्व के बारे में, तो दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर जो एडिशनल विटामिन डी थ्री मिलाया गया है तो क्या काम करेगा साथ में, तो इसके बारे में चलो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सब वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में आप जानते हैं, हमारी अगली वीडियो के देखकर आप भी जान सकते हैं कि क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है। अगर डेफिशिएंसी होती है तो शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में पायरिडोक्सिन और फोलिक एसिड का भी जो महत्व मैंने उसी वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विटामिन डी थ्री साथ में इसके अंदर दिया गया तो क्या काम कर सकती है, यानी कि कौन से इसके फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिसके अंदर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है उसको तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ दोस्तों, जो वेजिटेरियन लोग हैं खास करके, जिसका स्रोत जो देखे तो विटामिन बी ट्वेल्व का स्रोत हमने देखा है कि जो नॉन वेज जो भी होता है, मीट या फिर फिश या फिर दरियाई जो समुद्री पदार्थ जो होते हैं, इसके अंदर विटामिन बी ट्वेल्व पाया जाता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उसको ये खाते नहीं है, तो इनके कारण बी ट्वेल्व की कमी उसको अक्सर देखी गई है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ दोस्तों, इसका जो इंटेस्टाइन की तरह एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो काफ़ी कम हो जाता है, जिनके कारण भी डिफिशियंसी देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो विटामिन डी थ्री की कमी आजकल शहरी लोगों में बहुत देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों विटामिन डी थ्री का हम जानते हैं सोर्स एक प्रकार का है जो सूर्य के किरणों से मिलता है। सुबह की धूप, अगर धूप में हम बैठते हैं आधे घंटे तक, तो विटामिन डी थ्री की हमें कमी कभी महसूस नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि शहरीकरण आजकल बढ़ गया है। साथ में दोस्तों, घर से निकलते हैं व्हीकल में, डायरेक्ट अपनी गाड़ी में ऑफिस में जाते हैं, तो मतलब पूरे छाव में ही रहते हैं, तो अपना शरीर धूप में एक्सपोज नहीं होता है, जिनके कारण विटामिन डी थ्री मिलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट्री बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरल सोर्स से नहीं मिलती तो ये करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर विटामिन डी थ्री की कमी होती है तो दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन डी थ्री की कमी के कारण जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर में होना चाहिए वो सही तरह से नहीं होता है, जिनके कारण आगे जाकर कैल्शियम से जुड़ी प्रॉब्लम, खास करके जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, यानी हड्डियाँ कमजोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएँ सामने आती है। तो ऐसी कंडीशन में विटामिन डी थ्री लेना जरूरी है। तो जिनको विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है, साथ में पायरिडोक्सिन फोलिक एसिड जिसे जरूरी है, तो ऐसे पेशेंट को या फिर कैल्शियम की जिसे कमी है उम्र बढ़ने के साथ, तो उसको विटामिन डी थ्री टैबलेट अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, ताकि उसको कैल्शियम की कमी ना हो, साथ में विटामिन बी ट्वेल्व की कमी ना हो। तो ऐसी कंडीशन में इस पेशेंट को ये टैबलेट बहुत मदद कर सकती है। इसका हम देख सकते हैं यहाँ पर उसका डोजेज, जो विटामिन बी ट्वेल्व है 1500 mg, यानी कि उसका कम्प्लीट एडल्ट डोज कह सकते हैं, पायरिडोक्सिन 20 mg, फोलिक एसिड 5 mg, और विटामिन डी थ्री देख सकते हैं कि 1000 IU है। लेकिन दोस्तों, इसका एक परफेक्ट डोज कह सकते हैं तो 60,000 IU होता है, वीकली डोज होता है विटामिन डी थ्री का। वो कैप्सूल भी आती है, टैबलेट, वो जिलेटिन फॉर्म में भी आती है या फिर एक पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। तो दोस्तों, ये डेली डोज के लिए है, तो 1000 इसके अंदर आयु दिया गया है, तो ये कम्प्लीट सही रहेगा। जो अगर रूटीन जो विटामिन डी थ्री की कमी होता है तो इसको रिकवर किया जा सकता है इस प्रकार से। तो इसको टैबलेट लेने का डोजेस की बात करें दोस्तों, दिन में एक ही लेने की है, आप चाहे तो सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं या फिर रात को दोपहर को भी ले सकते हैं। दिन में एक ही टैबलेट खाना खाने के बाद दूध के साथ ले लीजिए तो कम्प्लीट जो डेफिशिएंसी जो भी इस विटामिन की होगी तो कम्प्लीट रिकवर हो जाएगी आपको। इसको अगर रहती है तो 10-15 दिन में आपको इफेक्ट मिलना शुरू होगा, जो हो जाएगा। विटामिन डी थ्री के डेफिशिएंसी के कारण दोस्तों, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, जिनके कारण हाथ पैर में जो जॉइंट पेन होता है वो अक्सर होता है, तो अगर ये लेते हैं तो आपको वो ठीक हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये एक साथ में च्यूएबल टैबलेट है, यानी कि सब जो मैंने इसके अलावा भी जो भी टैबलेट बताई सब च्यूएबल फॉर्म में आती है, नामकेयर कंपनी की ओर से काफ़ी अच्छी टैबलेट होती है, उसको चबा कर खाया जा सकता है या फिर निगल भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एन बी प्लस डी थ्री टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।